की हेडलाइन पर लखनऊ अपर जिला जज और शिक्षकों के घर में चोरों का धावा, नल की टोटियां समेत उड़ा ले गए लाखों सामान। अब गड़करी बोले, जो टॉप करता है वह बनता है अफसर, जो तीन बार फेल होता है वह बनता है मंत्री। परीक्षा के लिए बेटे को छोड़ने स्कूल जा रहे थे पिता, सड़क हादसे में दोनों की मौत। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ अपर जिला जज और शिक्षक के घर चोरों का धावा, नल की टोटियां समेत उड़ाए लाखों का सामान। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 3 निवासी इटावा के अपर जिला जज AK वर्मा के घर धावा बोलकर चोर नल की टोटियां और अन्य कीमती सामान उड़ा ले गए। उधर फैजाबाद रोड स्थित हंस विहार कॉलोनी में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक जगदीश प्रसाद यादव के घर में से भी लाखों का माल उड़ा दिया। दोनों मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में दबिश दे रही है। चोरों ने नल में लगी टोटियां, पंखे, किचन के सिलेंडर तक ले गए। गड़करी बोले, जो टॉप करता है वह बनता है अफसर, जो तीन बार फेल होता है वह बनता है मंत्री। नागपुर पिछले कुछ दिनों से बयान को लेकर सुर्खियों में रह रहे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा, जो मेरिट में आता है वह ISS और IPS बनता है, जो सेकंड क्लास पास होता है वह चीफ इंजीनियर बनता है, लेकिन जो तीन बार फेल होता है वह मंत्री बनता है। राजनीति में आने के लिए क्वालिटी की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए कहा है। परीक्षा के लिए बेटे को छोड़ने स्कूल जा रहे थे पिता, सड़क हादसे में दोनों की मौत। यह वारदात यमुना नगर सुबह 1 पिता सडोरा के सरसावा स्कूल में अपने बेटे को परीक्षा के लिए छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में सड़क हादसे में दोनों की जगह पर ही मौत हो गई, जहां रास्ते में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी कि हादसा इतना भयानक था कि पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने ये मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।